नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्या क्लासेस। और आज की क्लास में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना एक शॉर्ट तरीके से। जनरली हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उन सब क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक ही मेथड पता है, और जनरली हम कोचिंग्स में भी जाते हैं तो हमें सिर्फ यही तरीका बताया जाता है कि कैसे फाइंड आउट करें किसी दिए हुए धन पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, अगर हम नई ट्रिक्स के साथ आपके सामने आए हैं कि यहाँ पर आप कैसे सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, लेकिन दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी नई वीडियोस के लिए और उसके पार्ट्स को आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक प्रश्न यूपीटेट जूनियर में भी आ जाता है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सपोज करते हैं एक प्रश्न हमें दिया है कि 3,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन हमें सिंपल है, तो देखिए दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल हमें पता होता है a (a)(p)(1+r/100 होता है, और टू दी पावर n होता है, जहां पर p हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, आर दर 100 से डिवाइड करके और उसका एन से हम निकालते हैं क्या समय। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है। जनरली कोचिंग्स में ये भी बताया जाता है कि हम जितने देखे भी, हमें सबको भी पता होता है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। ये सबको पता है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए वाला फॉर्मूला लगाएं, ये बहुत लेंथी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष का, तो हमने देखा ब्याज कितना होगा, 3,000 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माने 10% वार्षिक दर से कितना होगा। तो वार्षिक दर से आपको ब्याज निकालना है। वार्षिक दर की बात कर रहे हैं, तो वार्षिक दर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको 3,000 रुपये का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं एक वर्ष का 10% से, तो 300 रुपये आता है। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज 300 रुपये, सिंपल है क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, दूसरे वर्ष का जब निकालते हैं तो हम 300 रुपये निकाल लेते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी हमें नेक्स्ट ईयर में ब्याज देना पड़ता है, यानी 3,000 पर ब्याज तो लगेगा लगेगा, 300 पर भी ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, निश्चित समय एक वर्ष बाद जो ब्याज आया उसको मूलधन में जोड़ते हैं, तो वो हमारा मिश्रधन आ जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, उस पर हम ब्याज निकालते हैं। तो हम जनरली सीखते कैसे हैं कि 3,000 पर एक वर्ष का ब्याज 300 रुपये, तो अगले सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, 300 का भी 10% निकाल दो 300 रुपये। अब इन सबको जोड़ लो, तो 3,000 तो ये हो गया अमाउंट प्रिंसिपल जो था, 300 का ब्याज पहले साल में हुआ, 300 का ये हो गया, तो 300 तो ये 330 ये, तो टोटल मिला के क्या होगा। हम इन क्वेश्चन को इस तरह से जनरली सॉल्व करते हैं, और सब ये और ज़्यादा लेंथी कब हो जाएगा अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 4 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल तरीका हो जाता है, जबकि समय हमारे पास कम होता है, हमें सिर्फ चंद सेकेंड होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो इसके लिए ही मैं ट्रिक लेके आया हूँ, शायद आपने ये ट्रिक अब से पहले देखी है जानी हो, तो उसी ट्रिक के बिहाव पर हम क्वेश्चन करेंगे। और ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ कुछ रेशो याद करने हैं, बहुत आसान रेशो है, वो लिख देता हूँ, आप उनको नोट कर लीजिएगा कि कौन से रेशो हैं वो जो आपको याद करने हैं। तो हम रेशो की बात कर रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो जो मेरा तरीका है वो आप देख लीजिएगा, जो आपने तरीके अब तक पढ़े हैं वो आप देख लीजिएगा। अभी हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका क्या है, अगर 2 वर्ष का आपसे पूछता है तो आप एक सिंपल याद करेंगे, ये इसका मतलब होता है 2:2 को याद करना है। 3 वर्ष की अगर बात करता है, पूछता 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप करेंगे 3:3। आपसे पूछता 4 वर्ष का, तो आप करेंगे 4:6:4:3। यानी ये अनुपात, बस ये ही पूरा आपको माइंड में रखना है, 2 वर्ष का है तो 2:1, 3 वर्ष का है तो 3:3:1,
और 4 वर्ष का है तो 4:6:4:6। ये सिर्फ 3 चीज आपको याद करनी है और आपका मिश्र धन, आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल के सामने आ जाएगा। देखो दोस्तों, एक और फायदा यहाँ से मिलता है कि अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाया था a = p(1+r)/100, तो यहाँ पर मिश्र धन प्राप्त होता है। अगर मैं ब्याज का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे और भी मुश्किल पड़नी पड़ जाती है कि हम इसमें क्या करते हैं, p(1+r)/100 और -p और करते हैं, तब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था। तो कितनी लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाए। तो दोस्तों, इसी चीज को रिमूव करने के लिए नित्या क्लासेस में आपको ये एक वीडियो दी जा रही है, जिससे आप जानेंगे कि कितनी आसानी से आप चक्रवर्ती ब्याज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। इसको मैं हटा रहा हूँ, होप सो आपने सबने ये नोट कर लिया होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 8,000 रुपये, सपोज 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रश्न है, 8,000 रुपये में दिया है पर 5% वार्षिक दर से निकालना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, आप मेथड से करेंगे, आप अभी जानेंगे कि हमें कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर लिया है। देखिए, मैंने बताया था रेशियो क्या था, 2:1 का रेशियो था। तो हमें देखना क्या, 8,000 रुपये पर 5% का ब्याज देखना, क्योंकि परसेंटेज हमें पता होना चाहिए कि 8,000 का 5% कितना होता है। दोस्तों, अगर मैं 8,000 का 5% निकालूं तो देखो, बहुत आसानी से क्या करते हैं हम, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 8.4020 खत्म कर देते हैं। या अभी पहली बार कर रहे हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, 8,000 × 5 = 100, 5% ब्याज है तो 5% मतलब 80 में 5 × 4 = 400। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 जीरो एलिमिनेट कर दीजिए, तो ब्याज जो लगता है पर 100 पे लगता है, तो उसमें 100 में 2 जीरो छोड़ देंगे तो हमें 80 बच जाएगा, उसमें 5 × कर दो परसेंटेज आ जाएगा। तो 80 में 5 × करके 5% निकाला तो कितना हुआ, 400। अब क्या करता है, अगली बार नेक्स्ट ईयर में फिर जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर 400 का 5% निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। देखिए कितना आसान था, 2:1 लिख लिया मैंने, तो पहले वर्ष के लिए ब्याज निकाला तो कितना निकला, 8,000 पर 5% निकाला तो 400 रुपये। अब 400 का ही 5% आपको निकालना है, याद रखिएगा, इसका नहीं, इसका कितना हुआ, 20 रुपये। अब करना क्या है आपको, जितने वर्षों का ब्याज था इसमें उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेशो को 400 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 1 में मल्टीप्लाई की तो 20। अब इन दोनों को जोड़ दो, 820 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो कितना आसानी से आपने निकाल लिया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। और आपने अगर इसको एक बार फिर देख लेते हैं जनरल मेथड से, आप कैसे करते हैं, तो आप लिखते a = p(1+r)/100^n। तो p कितना है, 8,000 रुपये है, 1+r कितना है, 5% है, 100 है और वर्ष कितने हैं, 2 है। तो आप 8,000 ऐसे करते, फिर क्या करते, 105/100^2। अब 2 जीरो काट लेते, तो 80 × 105 का वर्ग करते, देखिए कितना मुश्किल हो जाता। चलिए वर्ग भी अगर आपको 105 की मल्टीप्लाई आप कर भी लेते हैं तो ये बनता 1,010 × 25 और 120। ऐसे करते हैं ना, अब 105 का वर्ग ही तो कर रहे हैं आप, निकाल दो यहाँ से। अब देखते हैं कि कितना क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते तब जाके आपको ये आंसर मिलता। और यदि क्या आता, ये मिश्र धन आपके सामने आता, फिर आपको निकालना पड़ता कि इंटरेस्ट बराबर a × p - p, तब ये आप फॉर्मूला लगा कर निकालते। दोस्तों, तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, तो हम इससे नहीं करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमें सिंपल सिंपल टर्म में क्वेश्चन को करते जाना है और हमारा आंसर देखिए मिल जाएगा। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं दोस्तों, हो सकता है होप्स उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फिर से कि क्या करते हैं क्वेश्चन में। अब सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 10,000 रुपये का, चलो निकालते हैं कि 10, ये सिंपल क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ, मैं टिपिकल प्रॉब्लम पे लूंगा, आप ये ना समझे कि अभी तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है परीक्षा में, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को बेस बनाकर हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी क्या करा हमने, 10,000 रुपये लिखा है, सपोज करते 10,000 रुपये का 10% दर से
तीन वर्ष का ब्याज कौन सा चक्रवृद्धि। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैंने तीन वाला रेशो बताया था कि तीन वर्ष का रेशो क्या होता है, तीन तीन और एक, ये रेशो याद करना है। अब क्या हुआ यहां पर, 10,000 का देखो 10% निकालेंगे कितना होता है, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का फिर 10% निकालेंगे कितना होता है 100, 100 का 10% निकालो तो कितना होता है 10। देखिए इसका 10% निकाला 1,000, 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10। अब क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 3,000, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 300, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 10, आप सबको जोड़ दो तो 3,310 रुपये ब्याज आ गया। देखिए आपने कुछ नहीं किया, कितनी चुटकी बजाने के बाद आपने आंसर ले लिया, अदरवाइज वहां करते तो पावर तीन करते, उनके तीन मल्टीप्लाई करते तो ना ही कैलकुलेशन इतनी आसान है। आपको सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है परसेंटेज का और आपका प्रश्न, और ये रेशो का कंसेप्ट यूज कर, रेशो में अनुपात नहीं निकालना है। आप करना क्या है कि आप ऐसे करेंगे कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, जो भी आया उसको प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन आप आसानी से आगे कर पाएंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, इसको रख कर देते हैं, चार वर्ष के लिए भी देख लेते हैं। आप अपने चाहे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने सपोज कि 5,000 रुपए का 4 वर्षों का 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन ये ले लिया मैंने कि 5,000 रुपए का 4 वर्षों का 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। देखिए 4 वर्षों को बताया रेशो क्या था, 4, 6, 4, 1 ये था ना, बस ये रेशो याद करना। देखिए एक 2 वर्ष के लिए पूछा है तो क्या करना है आपको, 2:1। आपको 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3:1। आपको 4 वर्षों के लिए पूछा है तो 4:6:4:1। आपको ऐसे तो निकालना है। अब देखते हैं करना तरीका वही है, 5,000 का 5% निकाल दीजिए, देखो 2 जीरो कर दो तो कितना आया 250 रुपए। 250 का फिर आपने 5% निकाला तो 25×5=125, 12 रुपए 50 पैसे। आपने 12 से 50, 12 रुपए 25 पैसे का फिर 5% निकाला तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, अगर 12 रुपए 50 पैसे का आप 5% निकालेंगे तो तरीका सिंपल है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा 12 से 25 तो सिर्फ उसमें 5 की मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 5×25, 5×2=10 और 2=12, 5×1=5 और 1=625, 625 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 625, और कितने बार दशमलव लगाना है इसमें, देखो एक तो ये था, 2 और लगा दो, 3 अंक बाद यानी कितने पैसे आ जाएंगे 1625। अगली बार फिर इसका 5% निकालना है तो फिर इसका 5% निकालेंगे तो 5 की गुणा, सिंपल, 5×5=25, 5×10=12, 5×30=31, 3125। कितने अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव है क्योंकि 3, अब देखो 4 क्योंकि 100 का भाग करना होता है इसमें परसेंटेज निकालते हैं, तो 3 तो पहले से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ जाएगा तो 0.03125। अब कुछ नहीं करना इसमें, अब परसेंटेज सीख गए होंगे निकालना आराम से, और परसेंटेज सीखना है तो हमारी एक नई वीडियो आने वाली है आप उसको जरूर देखिए, वहां पर हम परसेंटेज का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो देखिए 25 के मल्टीप्लाई करें तो कितना 1000 इसने किया तो 6×5=30, 12×6=72 रुपए, इसमें किया तो 5×6=20, 5×4=20, 4×8=10, 4×24 और 1×25 2×50 पैसे, और इसमें करते हैं तो कितना आएगा 0.03125, सबको ऐड कर दो तो मोटी सी बात है 1,075,77, ये तो सिंपल हो गया, 1,075/77, 1,077.5 ये था, 3, 1, 2, 5 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 70/1, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से अपने आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मुश्किल लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को, मैं 5 ये लिखा है 5,000, इसको हम और 4 वर्षों के लिए एक क्वेश्चन और इसको बना देते हैं, तो ये सपोज करते हैं आपको समझने के लिए हमने इसको 8,000 हम ले लेते हैं, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 8,000 रुपये का निकाल कर देखते हैं। तो 8,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार देख लीजिएगा, रेशो सेम है बस तरीका बदला है थोड़ा सा, 8,000 का निकाला तो 400 रुपये, 400 का 5% निकाला तो 20 रुपये, और 20 का 5% निकाला तो कितना 1 रुपया,
20 का 5% कितना होगा भाई? और 1 का 5% निकालेंगे तो 0.05। देखिए 400 का 5% 200, 20 और 20 का 5% 1 रुपया, और 1 का 5% 0.05 रुपीज। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 16 1600 रुपये, 12 × 6 = 120 रुपये, 4 रुपये और 0.05 रुपये, ऐसे सबको ऐड कर दो, देखो कितना आसान। 16, 1720, 1724 रुपये तक 5 पैसे ये इसका आंसर है। तो कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी। अभी मैं टिपिकल प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं टिपिकल प्रॉब्लम के लिए। उसमें क्या होता है, इसको रब कर देते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अब तो मुझसे सिर्फ वार्षिक ब्याज पूछा जा रहा है। सपोज मुझसे ब्याज चार तरीके से पूछा जाता है, जैसे या तो आपसे पूछ सकता है वो वार्षिक जो हम कर रहे थे अभी, वार्षिक हमने किया, उसके बाद छमाही अर्धवार्षिक, उसके बाद तिमाही। तो ये पूछा गया, फिर आपसे पूछ लेता है कि तीन माह में एक बार तिमाही बोलते हैं, त्रिमासी भी बोल देते हैं। तो वार्षिक में एक, छमाही में दो छमाही होती है, तिमाही में चार छमाही होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ है तो हमें याद रखिएगा, अगर हमसे छमाही ब्याज पूछा गया है तो हमारी जो दर होती है, जो छमाही पूछता है, दर जो होती है उसका मतलब क्या होता है, हम उसको आधा कर देते हैं, दर का आधा, क्योंकि छमाही एक साल में दो होती है, तो हम उसमें दो का भाग, यानी क्या कर देते हैं, दर बटे दो। और समय क्या हो जाता है, समय हो जाता है दुगुना, दो गुना समय, ठीक है। तिमाही की बात करें तो एक साल में कितनी, चार तिमाही होती है, तो दर का क्या कर देंगे, 1/4, 1/4, यानी दर बटे चार। या आप कह सकते हैं समय क्या हो जाएगा, समय की पुराने कहानी से गुणा करते हैं, 4 × समय। अगर आपसे पूछा है, किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि प्रत्येक 4 महीने में एक बार ब्याज लिया जाता है, तो अगर प्रत्येक 4 माह में बोले तो एक वर्ष में कितने 4 बार वहां आते हैं, 4 × 3 = 3 बार, तो दर क्या हो जाएगी इसमें दोस्तों, दर बटा 3, और समय क्या हो जाएगा, 3 × समय। यानी आप इस बात को याद कर लीजिएगा कि अगर दर को आप आधा करते हैं तो जितना दर में आप भाग करेंगे उतनी समय में गुणा कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको खूब से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन, इस पर डिपेंड कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हटा देता हूं मैं यहां पर। एक क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक छमाही दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है दोस्तों। मैंने कहा छमाही, तो हमें मेथड वही लगाना है, तो हमें क्या करना है, छमाही का मतलब दिया है, दर का मतलब क्या हो जाएगा, छमाही साल में 2 छमाही होती है, तो उसको तो बदल लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हम लिखा दर बराबर क्या हो जाएगी, छमाही का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 छमाही, यानी दर बराबर क्या होगी, दर का आधा, तो दर कितनी, 10% का बटे 2 बराबर 5%, तो दर रहेगी दोस्तों। और 2 वर्षों में क्या होगा, समय क्या हो जाएगा, 2 वर्षों का था तो समय का मैं 2 गुणा कर दो, 4 वर्ष हो गए। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया कि 10,000 रुपए का 5% दर से 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा, क्वेश्चन बनाइए। तो आप क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष का रेशो क्या होता है, 4:6:4:1। क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं क्या कि 10% निकाला है तो 1000 आपने निकाला, 10% नहीं निकालना है, कभी क्वेश्चन ये वाला बन गया है, कभी आप इसको कर दें वो गलत होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से परिवर्तित कर लिया है। तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये, 500 का 5% निकाला तो कितना होता है, 500 का 5% 25 रुपये, 25 का 5% निकालेंगे तो 1 रुपये 25 पैसा, और 1 रुपये 25 पैसा का भी 5% निकालेंगे तो 0.4625 रुपीज। क्लियर है, बस अब इसकी गुणा करनी है आपको, और आपके सामने 2,000 रुपये प्लस
150 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 0.0625 रुपीज़, सबको जोड़ दो, 150 55 2155.0625 रुपीज़, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो लोग कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे, मेरे भी माइंड में आ गया है, उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, समय कम है, अदरवाइज मैं दूसरी भी मुझे बनाऊंगा इसका पार्ट टू, तो वहाँ पर और टिपिकल प्रॉब्लम लेंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके प्रश्न बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज 4000 रुपये का ऐसा प्रश्न दिया जाता है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आपको इतना मुश्किल तो है नहीं कि आप पहले इसका 4% 5 से 3 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष घटाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं, 4000 का 2 वर्षों का 3 वर्षों का ब्याज निकालें, क्या होता है, 3:1। देखिए 4000 का 5% कितना होता है, 200 रुपये, 200 का 5% कितना होता है, 10 रुपये, 10 का 5% कितना होता है, 10 का 5% 2 रुपये। भाई देखो 2000 का 5%, 4000 का 5% निकाला तो 4×5 = 200 रुपये आ गया, 200 का 5% निकाला तो 10 रुपये आ गया। अब 10 का निकालेंगे आप, 10 रुपये का 5% तो कितना होता है, 20 पैसे, क्योंकि 10 रुपये का 5% 20 पैसे बनेगा, क्योंकि 10 का 1% कितना होता है, 1 रुपया, तो आधा कर दो 20 पैसा, मल्टीप्लाई कर दें इसको, ऐसे कर सकते हैं। तो दो तरीके बताऊंगा इसको करने के, तो कितना हुआ, 600 रुपये, 30 रुपये और 20 पैसे, जोड़ दें तो 630 रुपये 20 पैसे 3 वर्ष का बनता है। 2 वर्ष का निकालना चाहें इसका तो 2:1 होता है, पता था आपको। तो 4000 का 200 रुपये, 5% निकाला, फिर दोबारा 200 का तो कितना हुआ, 10 रुपये, अब इनको ऐड कर देते हैं दोनों को, तो 400 रुपये प्लस 10 रुपये 410 रुपये, अब इन दोनों का सब्ट कर सकते हैं, 410 रुपये, तो कितना बचेगा, 20 पैसे तो ये बच गया, 0, 3 में से 1 गया तो 220 रुपये 20 पैसे, ये 1 साल का 3 वर्षों का 2 वर्षों के ब्याज का अंतर आ जाता है। या ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मुझे पता था 3:1 ब्याज 3 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का देखें तो 2:1 होता है, इसके लिए 0 मान लेते हैं, इनको आप उसमें घटा दे तो 1 वर्ष का तो रह जाएगा, 3 वर्षों के ब्याज के रेशो से 2 वर्षों के ब्याज के रेशो घटा दिया तो 1:2:1 रह जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 200 था यहाँ पर रुपये निकाला हुआ था ना, 210 और 0.2, तो देख लो यहाँ से घटा, 200 में 1 की गुणा करो 200, 2 की गुणा करो इसमें तो 20, इसमें करेंगे तो 0.2, देखो कितना आएगा, 220 रुपये 20 पैसे, कभी तो नहीं आता है। आप जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका मैं बताऊंगा, प्रेफर करूंगा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस वाले तरीके को यूज करें, क्योंकि अपने यहाँ 3 वर्षों का निकाल चुके थे, 2 वर्षों का अंतर घटा दिया, 1 वर्ष का रेशियो आ गया, इसमें गुणा कर दो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को, मैं फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले पार्ट में हम आपको और अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छी टेक्निक के साथ बताएंगे, विशेष से यूपीटेट का, जैसे अभी आने वाला समय यूपीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, थैंक यू।